पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन के नायब सरबराह इसम के सेहत वाले सूबाई वजीर तरफा लखे बारन के कोरोना का बचाव की वैक्सीन लेने वाली मुहिम जो आगाज किया गया। पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रे शोफर इसमें सेहत की वजीर डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ अमरीकी सरकार तरफा पाकिस्तानी आवाम लाए अतियो कयल कोरोना वैक्सीन डोज दई बारन के कोरोना का बचाव की वैक्सीन लेने वाली मुहिम जो इफ्तिताह कर मुहिम के पहले मरहले में 5 से 11 साल ताई के उम्र के बारन के कोरोना वैक्सीन जा 1,60,00,000 डोज दिना वा। आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी यूएसएड तरफा मुहिम हलाने ला 2 करोड़ डॉलर जारी कराया पाया वन। मुहिम दौरान 8 जिलों में अटकल 50,00,000 डोज दिना वा और 25,00,000 बारन के कोरोना का बचाव की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई वी। उन मौके से तकरीब में गलाईदे अमरीकी मिशन के नायब सरबराह शोफर चयो तो सिंध में 95% मानन के मुकम्मल तौर वैक्सीन मिलने से तमाम घनी खुशी थी है जैमें 12 साल और उनका उम्र जहा बार शामिल है। गिरद अमरीकी हुकूमत तरफा पाकिस्तानी आवाम लाए अतियो कयल वैक्सीन 5 से 11 साल की उम्र के बारन के डनी पी वे। चवण है अमरीकी हुकूमत यूएस एड जरिए सिंध में वबाई बीमारियों की निगरानी तौर रोकथाम लाए कायम सूबाई यूनिट से गरज कम कर रही है। तो जी कोरोना के आलमी वबा के मुंह दियण लाए जिले सतह से कायम 30 नवन सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स यूनिट्स के सूबा यूनिट्स से गंढे सकते। इफ्तदारी तकरीब में सेहत खाते के सेक्रेटरी जुल्फकार शाह सेहत खाते के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन बाहू तो अबिन लगापल अमलदारन शिरकत कई।